दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चले फ्रेंड्स बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला सवाल में बोला गया है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे। दोस्तों याद रखिएगा, नरोत्तम सिंहानु जो थे ना, ये कंबोडिया देश के शासक थे। एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या है, तो कंपुचिया हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में हो जाएगा। साथ ही बोला जाएगा कि अंकोरवाट में स्थित जो मंदिर का निर्माण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। और साथ ही इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं कि अंकोरवाट का जो मंदिर है उसमें किस हिंदू देवता का मूर्ति रखा गया है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब विष्णु भगवान हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। दोस्तों याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखने वाले व्यक्ति का नाम था फान बोई चाउ। क्वेश्चन का सही जवाब फान बोई चाउ हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों फ्रांस में, फ्रांस और वियतनामियों के बीच में एक प्रकार का समझौता हुआ था जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, और यह समझौता कब हुआ था, तो सन 1946 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसी क्वेश्चन से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 3 सवाल बना लिए जाते हैं। पहला सवाल बनता है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो आप कह सकते हैं मार्च 1946 ईस्वी में हनोई समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में हुआ था। फिर फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब हनोई समझौता हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। आपका क्वेश्चन 4 कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो क्वेश्चन का सही जवाब रसेल हो जाएगा। आत्माम छात्र एवं छात्राओं को मालूम होगा कि अमेरिका क्या किया था कि वियतनाम को चारों तरफ से घेर कर उस पर एजेंट ऑरेंज नामक जहर का बारिश कर दिया था, जिसमें तमाम पेड़ पौधे मर गए थे, काफ़ी लोग बेघर हो गए थे और काफ़ी लोग काल के गाल में समा गए थे, यानी मृत्यु के अघोष में समा गए थे। उसके बाद में अति कब हो गया कि जब अमेरिका ने वियतनाम को चारों तरफ से घेर कर उसमें जितने भी पुरुष थे सभी की हत्या कर दी, तमाम स्त्रियों को बंदी बनाकर उसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार करता रहा और अंततः उन सभी को मार डाला। बाद में उस गांव को चारों तरफ से घेर कर उसमें आग लगा दिया और उसमें से एकमात्र बूढ़ा बच गया था, बाकी सभी लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे ना जिन जो अभी तक जीवित थे लेकिन मरे हुए श्रेणियों में रखा जाता था। तो इस घटना को, उस बूढ़े ने इस घटना को विश्व के सामने उजागर किया, जिस कारण अमेरिका को चारों सभी तरफ से सभी देशों के द्वारा निंदा की सामना करना पड़ा। सभी लोग निंदनीय भाव से अमेरिका को देखने लगे। तो रसेल एक ऐसा व्यक्ति था कि जिन्होंने दार्शनिक आदत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी को करार दिया था। यही कारण था कि उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा 5 सूत्री कार्यक्रम योजना का प्रस्तुत करना पड़ा था। अगला सवाल क्वेश्चन 5 देखिए कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। आगे ना क्वेश्चन कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था ना, ये निक्सन था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था। अगला सवाल क्वेश्चन 6 हमारा कहता है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो दोस्तों याद रखिएगा, हुआ हुआ जो आंदोलन था ना, यह एक धार्मिक आंदोलन था। बहुत सारे बुक में आपको क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिलेगा, तो आप अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो जरा मैच कर लीजिएगा। हालांकि हमारे अकॉर्डिंग हुआ हुआ जो आंदोलन है वो एक धार्मिक आंदोलन है। अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्रेंच इंडो चाइनीज का जो स्थापना है ना, ये सन 1887 ईस्वी में की गई थी, तो क्वेश्चन का सही जवाब 1887 ईस्वी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 8 कहता है कि सियांग की चाओ कौन था।
दोस्तों सियांग की चाओ जो था ना, ये चीनी धर्म का सुधारक था जो चीन का रहने वाला था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चीन के धर्म सुधारक जिसका नाम था लियांग की चाओ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 है कि वियतनामी एवं वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुआ था, यानी वियत मिन्ह एवं वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो हुआ था ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो वियतनाम के एक नेता थे जिसका नाम है हो ची मिन्ह मार्ग। देखिए हो ची मिन्ह के द्वारा ही एक मार्ग का स्थापना किया गया था जिसका नाम रखा गया था हो ची मिन्ह मार्ग। अब आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं कि दोस्तों बताइए कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, तो आसानी तरीके से बता दीजिएगा कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूलभुलैया था तो दक्षिण वियतनाम से होते हुए कंबोडिया एवं लाओस तक जाता था, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी इतने ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग थे कि उसकी तुरंत रातों रात मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार से अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंस कर पुनः वापस लौटना पड़ा था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है, तो दोस्तों याद रखिएगा गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो सन 1983 में किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है कुछ 11 में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी की बात है, जब पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर के आदेश पर गोलियों की बारिश की गई थी, जिसमें कई हज़ार मजदूर मारे गए थे और कई हज़ार मजदूर जो है वो घायल हुए थे। इसी कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और साथ ही 1919 ईस्वी को क्या हुआ था दोस्तों, तो ये रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब ये जो रॉलेट एक्ट है ना, ये क्या है, तो जान ही लीजिए दोस्तों रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत भारत में रहने वाले तमाम लोगों में से किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य या वारंट के गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चला सकता था। यह एक काला कानून था जिसका हमारे तमाम भारतवासियों के द्वारा काला झंडा दिखाकर काफ़ी ही ज़्यादा विरोध किया गया था। अगला सवाल देखिए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1916 ईस्वी की बात है, जब रामपा विद्रोह हुआ था और लखनऊ समझौता भी हुआ था। फिर लखनऊ समझौता की जगह पे बोला जाता है कि पूना समझौता कब हुआ था, तो ये भी जान लीजिए सन 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था और सन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला सवाल कुछ मैं 13 कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो इसका जो प्रस्ताव है ना, ये सन 1920 ईस्वी में ही कलकत्ता में के अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन एक जारी किया गया था जो कलकत्ता में पड़ता था उस समय पश्चिम बंगाल में, और वहीं पे इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासकों के समर्थन में शुरू हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन क्या है, जरा सा जान लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की बात है, जब ब्रिटेन ने तुर्की को पराजित कर दिया था और तुर्की के खलीफा के पद को भी मिटा दिया था, साथ ही तुर्की के खलीफा के साथ काफ़ी ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया था। और आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि खलीफा मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था, अतः तुर्की के खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में खिलाफत आंदोलन चलाए थे। तो ये कब चलाया गया था, तो सन 1920 ईस्वी में, जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा था, उसी वक्त 1920 ईस्वी की ही बात है, खिलाफत आंदोलन भी अपने भारतवर्ष में तुर्की के खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 1920 हो जाएगा, किस देश के सपोर्ट में, तो तुर्की देश के सपोर्ट में चलाया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और ये कौन सी यात्रा से शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी को लगा कि हम नमक अपने आप तो नहीं बना सकते हैं और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया नमक हम लोग खाते हैं और उसी के साथ लड़ाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अतः महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम पहुँच कर 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा करके समुद्र के पानी से नमक बनाया और इस प्रकार से नमक कानून को तोड़ा गया। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? दोस्तों जान ही जाइए, सन 1929 ईस्वी की बात है, लाहौर अधिवेशन में, जो अभी के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। तो लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, बारदोली एक ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब बारदोली आंदोलन हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा, केबी हेडग्वार के द्वारा ही आरएसएस, अभी तो आरएसएस नाम बहुत पॉपुलर है, कौन लोग नहीं जानता होगा कि आरएसएस क्या होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना सन 1925 ईस्वी में केबी हेडग्वार के द्वारा किया गया था। और 1925 के बाद में तुरंत 1926 ईस्वी की बात है जब मजदूर संघ अधिनियम को पारित भी कर दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आइए जान लेते हैं कि आखिर वह कौन ऐसा समझौता है जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दिया गया था? तो आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था, लेकिन सन 1905 के बाद में जब सन 1911 आता है तो यही लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बोला जाएगा बंगाल का विभाजन कब निरस्त किया गया, तो 1911 में। बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो 1905 ईस्वी में। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला सवाल क्वेश्चन 21 कहता है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो दोस्तों एम एन राय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1920 ईस्वी में ताशकंद में एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए हुए थे। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए, तो क्वेश्चन 22 कहता है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, बम्बई में कांग्रेस समाज पार्टी दल की जो स्थापना है ना, ये सन 1934 ईस्वी में की गई थी। और यही है वो 1934 जब भारतवर्ष में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो बोलिएगा 1934 ईस्वी में। इसका क्या प्रभाव पड़ा था? दोस्तों 1934 ईस्वी में इतना ज़्यादा भयंकर भूकंप आया था ना, जिसमें ज़मीनें फट गई थी, दरारें पड़ गई थी, काफ़ी ही मात्रा में बालू तथा कोयला ज़मीन पर आ गए थे, काफ़ी लोग बेघर हो गए थे और काफ़ी ही लोग काल के गाल में समा गए थे। तो ये दोस्तों हुआ था 1934 ईस्वी में। और यहीं 1934 ईस्वी में बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना भी की गई थी। अगला सवाल कहता है, अली मुसलियारे ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोफला विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं अली मुसलियार। और अली बंधुओं के द्वारा ही किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। और मोफला विद्रोह के नेता कौन थे, तो अली मुसलियार थे। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? काफ़ी सिंपल सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंगो ओरिएंटन कॉलेज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बगल में ही एक कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसका नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। सो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख लिए हैं सोशल साइंस का 1 से लेकर 25 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए थे और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
ऐसे तमाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है www.questionforexam.com। और जैसे इतना सर्च कीजिएगा ना, तो आपको एक एजुकेशनल वेबसाइट देखने को मिलेगा। उस वेबसाइट के माध्यम से आप 10वीं कक्षा के सभी सेट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर जाकर क्विज भी आसानी तरीके से खेलकर आप अपने तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।